छूट रहे हैं। कोई दशहरे पर किसी के अहंकार के नाश का दावा करता है, कोई रावण की रूपी ताकतों का राजनीतिक रूप से संहार की कामना करता है। विजयादशमी पर किसकी सियासी विजय, 2024 में रावण के संहार का दावा, राजनीतिक रूप से किसका होगा वध। देश भर में मां दुर्गा की विदाई हो रही है और लोग विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं। असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार पर विनम्रता की विजय, पाप पर पुण्य का कब्जा, रावण रूपी बुराई पर राम रूपी अच्छाई की जीत, यही तो विजयादशमी को विजय पर्व बनाती है। झारखंड के सियासतदान भी विजयादशमी मना रहे हैं, लेकिन रावण को जलाने के लिए पटाखे सियासी छोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल इंडिया गठबंधन 2024 में विपक्ष के अहंकार के संहार की भविष्यवाणी कर रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। जो बुरी ताकतें हैं वो समाप्त होंगी, उनका अहंकार समाप्त होगा। इस पर्व के माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो रावण रूपी लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं, जिनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, उनका अहंकार समाप्त होगा। देखिए, रामायण का जो बुरा सार है, श्री राम की जीवनी है, उसका यही संदेश है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। रामायण ब्रह्मांड में उस समय सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना, प्रकांड पंडित माना करता माना जाते थे उस समय। तो मुझे लगता है कि 24 में भी इसी तरीके से जो रावण रूपी जो रावण है, राहुल गांधी जो राम का रूप धारण कर चुके हैं, इनके अहंकार का वध करके इस देश के लोगों को फिर एक संदेश का काम देने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन 2024 में अपनी भावी चुनावी विजय का सपना पाले बैठा है और वो इसे सत्य की होने वाली जीत करार दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि जो कभी राम को काल्पनिक बताते थे, वही आज भगवान राम की दुहाई दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने सनातनियों का, करोड़ों सनातनियों का अपमान किया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रामायण को काल्पनिक बताकर। लेकिन हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सर्वोपरि हैं और अब तो उनका मंदिर भी बनने जा रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि सत्ताधारी नेताओं का जो अहंकार प्रदेश में सर चढ़कर बोल रहा है, भगवान श्री राम इनसे भी उचित समय पर सही से इनके लिए निर्णय लेंगे। विजयादशमी पर आपने सियासतदानों को रावण का वध करते हुए जरूर देखा होगा। अब विजयादशमी पर इन्हें सियासत करते भी देख लीजिए, क्योंकि 2024 में तय तो जनता को ही करना है कि किसका अहंकार धू धू कर जलेगा। बहरहाल मौका विजयादशमी का है, लेकिन इस मौके पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता का स्तर क्या होने जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरांजलि, जी मीडिया, रांची।